बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों। यूनिवर्सल टेस्ट मास्टर चैनल में मैं आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों 28/11/2021 को डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड रिवेन्यू डिपार्टमेंट में के लिए एक असिस्टेंट का पेपर था। स्केल इसका है BA16। ये टेस्ट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट किया है। इसके तकरीबन 50 MCQs मुझे मिले हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने यूनिवर्सल टेस्ट मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें और वीडियो पर अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट्स भी मुझे किया करें। और अगर आपके पास कोई भी इस किस्म का पेपर हो जो आप अगर मुझे सेंड करना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03449738844, इस पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। चलते हैं पेपर की जानिब। पेपर में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन जापान, ये जापान में है, सही है। और जापान का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका नाम है कशिवाजाकी करेवा न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इसकी नेट कैपेसिटी जो है वो है 7965 मेगावाट। अगला क्वेश्चन हमारे पास अगला क्वेश्चन द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, तो लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान जो है वो है मंचर लेक है और ये सिंध में है। अगला क्वेश्चन हमारे पास हाउ मेनी जजेस इन लाहौर हाई कोर्ट, सो देयर आर 50 जजेस इन लाहौर हाई कोर्ट, सो 50 ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है चूज द सिनोनिम ऑफ वेव, तो वेव का मतलब है छोड़ना, दस्तकश होना, दस्तबरदार होना, दावा छोड़ना, तो इसका सिनोनिम जो है वो है रिजेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास एनालॉजी का क्वेश्चन है फूड टू हंगरी, तो ऑप्शन कौन सा ठीक था इसमें, रेस्ट टू वेरी, चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास यह भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, लाइट टू ग्लाइंट देन साउंड टू ब्लेयर, साउंड टू ब्लेयर, यह ऑप्शन इसमें ठीक है। क्वेश्चन सेलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप, लाइट ब्लाइंट देन स्पीच टू डंप, स्पीच टू डंप। अगला क्वेश्चन हमारे पास की साइंटिस्ट बिहाइंड द पीरियोडिक टेबल, पीरियडिक टेबल का जिसने बनाया है उसके की साइंटिस्ट का क्या नाम है, तो उसका नाम है डिमेट्री मेंडेलीव, ये ऑप्शन है इसमें। अगला क्वेश्चन हजरत बिलाल को किसने आजाद करवाया था, तो हजरत बिलाल को हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आजाद किया था गुलामी से, तो ये ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारे पास फर्स्ट जो आईन है दुनिया में सबसे पहले वो था मिसाके मदीना, मिसाके मदीना, ये ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु इज द मैन लीडर बिहाइंड द मीटिंग ऑफ लखनऊ पैकेट, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन नुस्खा हयाए वफा इज अ कलेक्शन ऑफ, नुस्खा हयाए वफा शायरी की किताब है, ये किसका मजमुआ है, तो ये है फैज अहमद फैज का, यह ऑप्शन इस पर ठीक है। अगला क्वेश्चन ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज अलॉय है ये किस चीज से बनी है, ये कॉपर और टिन से बनी है, यह ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन लॉवरी म्यूजियम इज इन, तो लॉवरी म्यूजियम जो है ये फ्रांस में है, तो फ्रांस ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन अच्छा कैथरीनी पैलेस इज इन, कैथरीनी पैलेस जो है ये कहां पर है, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग में है, सेंट पीटर्सबर्ग ऑप्शन इसमें क्या है ठीक है। अगला क्वेश्चन व्हेन मिर्जा गालिब डाइड, असदुल्ला खान मिर्जा गालिब कब वफात पाए, तो ये 1869 में वफात पाए थे। अगला क्वेश्चन
व्हेन सर सैयद अहमद खान डाइड, सर सैयद अहमद खान कब डाइड हुए थे, तो ये 27 मार्च 1898 में डाइड हुए थे। अगला क्वेश्चन, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लाइमेट जोन, तो अर्थ हमारे पास 3 क्लाइमेट जोन में ये डिवाइड होती है, एक पोलर है, एक टेम्परेच है, एक ट्रॉपिकल है, 3 में हमारे पास ये डिवाइड होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु रिक्वेस्टेड अहमद शाह अब्दाली टू इंडिया इन 18th century, तो शाह वलीउल्लाह ने रिक्वेस्ट किया था अहमद शाह अब्दाली को 18वीं सदी में, शाह वलीउल्लाह ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बाले जिब्रील कब पब्लिश हुई, तो बाले जिब्रील जो है ये 1935 में पब्लिश हुई थी, अकबाल की किताब है। अगला क्वेश्चन, रहसतुल मुअज्जिलीन किसको कहते हैं, तो ये जिगर मुराद आबादी को कहते हैं, जिगर मुराद आबादी ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन, थॉमसन एडिसन इन्वेंटेड, थॉमसन एडिसन ने किस क्या चीज ईजाद की थी, बल्ब ईजाद किया था, तो बल्ब ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जलियांवाला बाग इंसिडेंट अकर्ड इन, तो ये 1919 को यह वाकया पेश आया था, 1919 में ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन सऊदी अरबिया अलाउ वुमेन टू जॉइन आर्मी, तो सऊदी अरबिया ने औरतों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए जब इजाजत दी थी, तो ये डेट था 26 फरवरी 2018, 26 फरवरी 2018 ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दनक पर कदम एक किताब का नाम है, किसने लिखा है, ये बेगम अख्तर रियाजुद्दीन ने लिखा है, बेगम अख्तर रियाजुद्दीन, ये ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु स्टार्टेड कॉमरेड फ्रॉम कलकत्ता, हु स्टार्टेड कॉमरेड फ्रॉम कलकत्ता, तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ, ये कश्मीर जो है पार्ट है हमारे पास इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना, तो इन्हीं के दरमियान है, पाकिस्तान इंडिया और चाइना के दरमियान है, तो ये 3 ऑप्शन इसमें क्या है ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, करेक्शन हमारे पास मैथमेटिक, तो इसमें हमारे पास करेक्शन है मैथमेटिक्स सही है, ये आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आई हैव नॉट सीन यू, फिल इन द ब्लैंक्स है मंडे, तो फ्रॉम आएगा इसमें, फ्रॉम मंडे। अगला क्वेश्चन, इनिशियली डेटा डिलीटेड इज मूव टू, तो जब हमारे पास डेटा जो इनिशियली हम इसको जब डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाता है, रिसाइकल बिन ऑप्शन इसमें क्या है ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सीक टाइम, ए सीक टाइम हमारे पास क्या होता है, अ टाइम टू पोजिशन टू हेड ओवर प्रॉपर ट्रैक, ये ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन 1952 लंदन मैनी पीपल डाइड ड्यू टू, तो 1952 में लंदन में बहुत सारे लोग मरे थे, तो ये स्मोक से मरे थे, स्मोक ऑप्शन इसमें क्या है ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन वेबसाइट वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय पॉइंटर, पॉइंटर पर हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, तो पॉइंटर इसमें ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स मैचिंग पैरामीटर्स ऑफ क्वायरी, तो इसको डेनेसेट कहते हैं, डेनेसेट या डेनेसेट, ये ऑप्शन इसमें ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन एमएस एक्सेल डेटा इज अरेंज बाय, एमएस एक्सेल में डेटा को जब अरेंज किया जाता है तो उसको डेटा सॉर्ट कहते हैं, ये ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेगरोना
कोराबख इज अ रीजन बिटवीन, ये एक जगह का नाम है, ये अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान है, अजरबैजान और आर्मेनिया, ऑप्शन इसमें क्या है, ठीक है। विच लॉ, अगला क्वेश्चन है, विच लॉ रिलेटेड टू इक्वलिटी ऑफ सिटीजन इन पाकिस्तान, तो ये आर्टिकल 25 है जिसमें तमाम पाकिस्तानियों जो सिटीजन हैं उनके लिए बराबरी का जिक्र है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, साइप्रस इज डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन, साइप्रस हमारे पास डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन है तुर्की एंड ग्रीस, ये ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन, शैतान की आंत होना, शैतान की आंत एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब है, तवील होना, तवील होना, ये ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, ये अजीज अहमद की किताब का नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, खाका निगारी, हमारे पास एक किताब का नाम है, ये अशफाक अहमद वरक की किताब है, अशफाक अहमद वरक, ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तारे गिनना का क्या मतलब है, तारे गिनना का क्या मतलब है, तो रात भर जागते रहना, ये ऑप्शन इसमें ठीक है, रात भर जागते रहना इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलेस, ये ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच पर्सन गॉट 2020 ब्रोकर प्राइज, तो 2020 ब्रोकर प्राइज किसने ली थी, ये डॉगलस स्टुअर्ट ने ली है, तो डॉगलस स्टुअर्ट, ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द टाइम ऑफ नफली एतिकाफ इज, द टाइम ऑफ नफली एतिकाफ जो है वो है तीन दिन, तो थ्री डेज हमारे पास, ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, योमुल फुरकान इज कॉल्ड, योमुल फुरकान असल में डे ऑफ बदर को कहते हैं, तो योमुल फुरकान इज आल्सो कॉल्ड डे ऑफ बदर, सही है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, एफ ए ओ स्टैंड फॉर, तो एफ ए ओ एब्रीवेशन है, ये स्टैंड फॉर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच एरिया ऑफ अर्थ गॉट मोस्ट मूनसून, तो ये साउथ एंड ईस्ट एशिया है, साउथ एंड ईस्ट एशिया, इसमें हमारे पास ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज लोकेटेड इन, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज लोकेटेड इन लाहौर, लाहौर, ऑप्शन इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन और ये हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, व्हेन वाज नदवतुल उलमा एस्टेब्लिश, ये 1898 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो 1898, ऑप्शन इसमें ठीक है। दोस्तों ये था तकरीबन, ये 50 एमसीक्यूज है, और ये था पेपर असिस्टेंट BA 16 का रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड के लिए, था ये 28/11/2021 को ये पेपर हुआ है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने यूनिवर्सल टेस्ट मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें, और जाते जाते एक लाइक तो बनता है, एक लाइक भी दे दें, शुक्रिया।